Bota-te, bota-te. Modiga. Speech. Bota chidi. Movie bota chidi. PM Narendra Modi. बहुत इंस्पायरिंग थी यंग जनरेशन के लिए. मूवी देख के अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हूँ मैं मूवी से. ठीक ठाक थी, अच्छी मूवी थी. और विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग बहुत सही थी, बहुत ही बढ़िया. बस दिल को छू गई. और प्रधानमंत्री जी के बारे में और जानने की एक हाँ एक मौका दिया गया, तो बस इंस्पायर तो हो गए एक्चुअली लोग मोदी जी से. और हम क्यों इंस्पायर हुए ये जानने के लिए ये फिल्म देखनी पड़ी. बहुत ही बढ़िया. ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं किया है, रोल के लिए जितना चाहिए उतना ही किया है. एंड कभी ये नहीं लगता कि विवेक ओबेरॉय है, कि कोई एक्टर कोई रोल कर रहा है तो कभी ना कभी तो लगेगा ना कि ये विवेक ओबेरॉय है. तो वो विवेक ओबेरॉय लग ही नहीं रहे थे और पूरा मोदी ही लग रहे थे, ये मैं कहना चाह रहा था. हाँ, ही हैज़ बीन प्रॉमिसिंग. मेरी कॉम भी अच्छी थी. वैसे स्टोरी और स्क्रिप्ट में इतना ताकत है, डायरेक्टर का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा कहीं पर भी बिगाड़ा नहीं है. 4.3 मूवी. अगर ये मूवी 5 दिन पहले रिलीज हुई होती, सॉरी ये मूवी चुनाव से पहले रिलीज हुई होती, तो हिंदुस्तान में 542 सीट मोदी की आती और कोई सीट नहीं आती दूसरी. मोदी ने वो काम किया है गुजरात में जो आज तक किसी ने ऐसे लीडर ने नहीं किया. आज तक मोदी को पीछे ढकेलने के लिए कांग्रेस ने बहुत गलत काम किए हैं. अगर कांग्रेस उनका साथ देती तो आज हिंदुस्तान कई आसमान पे होता. वेरी नाइस मूवी. सीएम बनते हैं, इसके बाद उनको पीएम के लिए वो कैंडिडेट करते, तो बहुत से बातें मतलब लोग नहीं जानते, मतलब जानते हैं उनको, लेकिन अगर पूरे अच्छे से उनको जाना तो ये मूवी देखना चाहिए. और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मूवी है. उन्हें पूरे देश के लिए मतलब उनने जो भी शादी नहीं किया, जो भी अपना जीवन है एक सन्यासी की तरह जिया, वो पूरी उनकी मतलब जीवन के बारे में बताती है. और जो विवेक ओबेरॉय ने जो रोल किया, कहीं कहीं तो बहुत एकदम फिक्स बैठते कि मोदी लगते हैं. कुछ ऐसा हो सके, मेकअप उनका बहुत ज़बरदस्त किया गया और कुछ कैमरा एंगल के चलते वो मोदी कुछ जगह में लगते हैं. बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी. काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग किया है और मतलब इट इज़ अबव द एक्सपेक्टेशन. वॉज वेरी नाइस मूवी. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से पूरी फिल्म एकदम कैची, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप मूवी में पूरी तरह से लगे रहते हैं. तो इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी, अमेजिंग मूवी. 4.75 स्टार्स. बहुत अच्छी पिक्चर है. सबसे खास बात है कि उन्होंने आज तक जो काम किया हम पब्लिक के पास पहुंचा नहीं पाते, लेकिन हम मूवी के जरिए वो दिखा सकते हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है. और कितने लोग को नहीं पता रहता, हम पॉलिटिकल लेके अवेयर नहीं है कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन एक मूवी जो बनी जो उन्होंने बनाया उसे वो दिखा सकते हैं कि हमने ये किया और ये हम कर रहे हैं. लाइक उन्हें, हाँ उन्हें देख मुझे ये लगा विवेक ओबेरॉय ही है, मुझे ये लगा कि हाँ मोदी जी ही हैं जी. 5.